Hello students, today we will discuss how to start preparation for competitive exams and other exams. आज हम आज का जो लेक्चर है उसमें हम ये देखेंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और दूसरी जो परीक्षाएं होती हैं उनकी तैयारी कैसे करें. एग्जाम का बड़ा फियर है, बहुत डर लगता है हमको, पर्टिकुलरली बोर्ड एग्जाम्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो बाप रे. ऐसा कोई डरने की अब जरूरत नहीं होती. अगर हम पहले से वेल प्लान्ड प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे सो इट इज वेरी इजी टू फेस द एग्जाम. शिवाजी के बारे में कहा जाता है कि शिवाजी ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं बहुत बहुत प्लानिंग से लड़ी हैं. चलते चलते एक डायरेक्शन में जाते थे, सडनली दे चेंज द डायरेक्शन, पूरा ट्रूप और पीछे से अटैक करता था. दुश्मन सोचता था कि वो सामने से आएंगे, वो वहां तैयारी करते थे और ये लोग पीछे से अटैक. सो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इफ योर प्लानिंग इज सॉलिड, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, जबरदस्त है, तो आपकी सक्सेस 100% श्योर है. योर सक्सेस इज 100% श्योर. आपकी जो सफलता है वो निश्चित है. बड़ी लड़ाइयां लड़ने के लिए प्लानिंग भी उतनी जबरदस्त होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए. तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कैसे एग्जाम में सक्सेसफुल होना चाहिए. बिकॉज टाइम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. समय जो है वो एक ऐसा एक कारक है, एक ऐसा फैक्टर है जो सबसे पावरफुल है. दुनिया में यही एक ऐसा फैक्टर है जिस पे किसी का बस नहीं चलता. नो अदर फैक्टर और नो अदर क्वांटिटी, नो अदर फोर्स, पावर, एनीथिंग कैन चेंज द टाइम. समय को कोई प्रभावित नहीं कर सकता. अगर आप चाहोगे कि समय तेज हो जाए तो तेज नहीं होगा, समय रुक जाए तो नहीं रुकेगा. अपनी गति से, अपनी पेस से इट विल मूव फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड. घड़ी रोक देने से समय नहीं रुकता, ध्यान रखें. तो हमने जो प्रिपरेशन करनी है वो समय को ध्यान में रख के करनी है. टाइम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द प्रिपरेशन. इसीलिए वॉट आई हैव टू डू स्प्लिट द टाइम इंटू डिफरेंट सेगमेंट्स. एग्जाम जिस ईयर में होना है उससे 2 साल पहले, 2 years before your examination, what you have to do? 1 year before your examinations, what to do and what not to do? The main cause कि क्या करना है ये तो ठीक है, पर क्या नहीं करना है ये भी हमको मालूम होना चाहिए. मानते हैं कई बार हम पता नहीं होता और ऐसे ऐसी चीजें कर जाते हैं जो हमको नहीं करनी. जब हम बाद में हमको ध्यान आता है कि अरे आई हैव डन द मिस्टेक, अगर मैंने ये काम नहीं किया होता तो मैं शायद और अच्छा कर सकता होता. मानते ना. सो क्या नहीं करना है वो भी मैं बताऊंगा आपको. 2 years, 1 year, 6 month बिफोर योर एग्जामिनेशन, 2 month बिफोर योर एग्जामिनेशन, 1 week before your examination, 1 day before your examination, and at the last moment, अंतिम क्षणों में आपको क्या करना है और एग्जाम हॉल में क्या करना है ये भी आपको मैं थोड़ा सा एक एक्सप्लेन करूंगा. सो दिस लेक्चर टुडे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. और ये सारा मैटर किसी बुक में नहीं मिलेगा, कहीं वेबसाइट पे नहीं मिलेगा. ये हमने और हमारी टीम ने एक एक्सपीरियंस से, अपनी पोटेंशियल से, अपने नॉलेज से, अपने टैलेंट से, सब ने बैठ करके डिस्कस करके ये स्पेशल लेक्चर प्रिपेयर किया है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ. सो बिल्कुल अटेंशन हो करके सुनेंगे, ध्यान रखेंगे. आप चाहें तो नोट करना, चाहें तो नोट भी कर सकते हैं.
अपने रजिस्टर में, या हम आपको जो नोट्स देंगे प्रोवाइड करेंगे वो भी आप यूज कर सकते हैं। राइट, रेडी? नाउ कम टू फर्स्ट, 2 ईयर्स बिफोर योर एग्जामिनेशन, आपकी परीक्षाओं के 2 साल पहले। फर्स्ट हम ये देखेंगे कि हमको 2 साल पहले से क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले, क्यों इतना पहले? बिकॉज वी हैव सफिशियंट टाइम टू थिंक ओवर, टू प्लान, टू डिसाइड ऑल द फैक्टर्स। ये इसलिए हम 2 साल, जितने जल्दी आप तैयारी आरंभ करेंगे उतना आपको फायदा होगा। अर्लियर यू विल स्टार्ट द मोर बेनिफिट यू हैव, राइट? सबसे पहले 2 साल पहले जब आप पहुंचेंगे, जैसे मेरे को किसी भी ईयर में एग्जाम देना है तो उसके 2 साल पहले जो आपका एग्जाम खत्म होगा, रिलैक्स होइए, देन थिंक। सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट सेल्फ एनालिसिस। व्हाट इज सेल्फ एनालिसिस? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जिस एग्जाम को आप देने जा रहे हैं उसके मिनिमम क्राइटेरिया क्या क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल, मिनिमम परसेंटेज मार्क्स इन प्रीवियस एग्जामिनेशंस, वेदर इट इज बोर्ड एग्जामिनेशन और वट एवर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो एक पिछले परीक्षाएं होती हैं उसमें एक कट ऑफ डिसाइडेड होता है, जैसे 60% मिनिमम चाहिए। क्या मैं उस क्राइटेरिया को फिट हूँ? क्या मैं उसको एलिजिबल हूँ? माई एज, माई स्टेट ऑफ डोमिसाइल, जिस प्रदेश में मैं रह रहा हूँ उसके लिए क्या उसमें प्रॉस्पेक्ट्स हैं? किस स्टेट से आप अपियर हो सकते हैं एग्जाम में? एज हो गया, डोमिसाइल हो गया, मिनिमम परसेंटेज मार्क्स हो गए, ऑलराइट? और जो सब्जेक्ट्स मेरे क्वालिफाइंग एग्जाम में हैं वो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सूटेबल है, वैलिड है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू गो टू IIT, PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, दे आर एसेंशियल। बायोलॉजी स्टूडेंट्स, इफ दे अपियर बाय फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट एग्जाम। यदि आप लॉ में जाना चाहते हैं तो कॉमर्स के या जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं या जो भी हैं वो कौन कौन से होंगे, ये जरूर आप पता कर लें सेल्फ एनालिसिस करके। सेकंड पॉइंट जो होता है, हर एक को ये मालूम है कि मेरी अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, मेरे दिमाग का बल्ब कितने वाट की लाइट देता है, कितना चलता है। मैं 25 वाट का हूँ, 50 वाट हूँ, 60 वाट हूँ, 100 वाट हूँ, 500 वाट हूँ, 1000 वाट हूँ। हर एक को पता होता है ये कि मैं, मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, मेंटल कैपेबिलिटी है। वेदर दिस इज सफिशियंट टू अपियर फॉर द एग्जामिनेशन। मैंने देखा कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, एक 7th, 8th, 9th में, पता 10th में मालूम पड़ता है 40-45% मार्क्स होते हैं, एंड दे थॉट कि मैं सर IIT की तैयारी कैसे करूं, बुक्स जरा मेरे को बता दीजिए, मैं मेडिकल में जाना चाहता हूं सर कैसे। इतना टफ कंपटीशन है और आप उसके योग्य भी तो बनिए। इफ यू आर नॉट, आप बन जाए किसी तरह से, आप जोड़ तोड़ करके पहुंच भी गए मान लीजिए, तो क्या आप जस्टिस कर पाओगे हमारे देश के साथ? नहीं कर पाओगे। उस योग्य भी आप बनिए, उतना पोटेंशियल। सो हर एक को मालूम है कि मेरी अंदर मेरी क्षमता कितनी है, व्हाट इज द कैपेबिलिटी, मेरा मेंटल लेवल कितना है और मेरा इंटरेस्ट कहाँ है। ये थिंक करिए, देन स्टार्ट प्रिपरेशन।